चार कागा से हंसा करेर दर्शावे तत्सार कागा से हंसा करेर दर्शावे Thank you.
महाराज की जय। आज संकल्प लो के मन में हमेशा वैराग रहा था, वैराग किक रहा था के सुल्तान साहब वैराग रहा था, और वैराग कहीं रहा क्यों, राज काट फकीरी सब छोड़ और वैराग धारण करियो। तो सुल्तान साहब रो एक पद है, और सुल्तान साहब एड़ा होया के शिष्य गुरु महाराज री हमेशा महिमा करे, पर गुरु महाराज शिष्य री महिमा करी इता वैराग में तीव्र होया। तो कहीं कहवे सुल्तानी केसर लगी रे बलख बुखारा त्याग, जिंदा के चोले मिला दी ना सत वैराग, जिंदा के चोले मिला दी ना सत
मालिक से अल्लाह राम पुकारा। और सुल्तान साहब ने परमात्मा तेरे बार चेतावनी वास्ते आया, एक बार नहीं तेरे बार।
और तेरे वार अलग अलग रूप में आया। लास्ट रे माई सुल्तान साहब परमात्मा लिखते तो के दासी रूप धारण कराया और दासी जो वेरी नित सेवा करती विनो रूप धारण कर और वेरी सेज समार और दासी वेरी सेज माते सोई की। तो सुल्तान साहब दासी ने खुदरी सेज माते सूती देख और गुस्सो हुई क्रोधित होया तो क्रोधित होते ही बेबी ने ताजनारी मारी तीन चार। तो दासी हंसी हंसता ही बोली के बादशाह मैं तो सिर्फ दो तीन मिनट इन माते सोती और नींद आएगी। तो बादशाह ने और गुस्सा आयो के मैं ताजना मारिया था ना हंसो की कराई मार पड़े जना तो अच्छा अच्छा रोज अजब जना। दासी की ओके हंसो इन बात रो आवे के मैं थोड़ी दूर सुती इतनी आरामदायक से जी जी हाथों हाथ नींद आएगी जिको मने तीन चार ताजना पड़िया। अब इन सेज माते रोजीना जिको सोरियो है बिन मालिक रे घर किता ताजना पड़ी जिको मने हंसो। जन राजा ने ज्ञान होयो बादशाह ने और वे गला में फाटड़ो गुदड़ो गाल और राज खजाना सब छोड़ निकल गा। तो के दिन हो दासी गुरु हमारी दासी ने गुरु कर मानी दिन हो दासी गुरु हमारी राय बताई प्यू प्यार मालिक रे मिलन रो रास्ता बताई दी और सेत सैयद पीर अवलिया सिद्क सबूरी सारंदा और वेणी साई भी कही के ताजी चीज निवाले लेता और ताता तुरंत तैयार आया जिकी वेने प्रथम चीज बनती जिकी बात सारी सेवा में हाजिरी। लेकिन राजपाट छोड़ फकीरी धारण करी तो के अब तो ठंडा पावन लागा टुकड़ा सांझ सवार तो के दल बादल ले हस्ती चढ़ता पड़ती घोर नगारंदा। आज भी अपा देखा जका राज सही भोगरिया है तो वारा जुलूस निकले जने कितो दल बादल हाथी घोड़ा वाहन फैला हाथी घोड़ा उतारा बेवान होएगा। हाँ तो के दल बादल ले हस्ती चढ़ता पड़ती घोर नगारंदा और नगारा भाषा बात सारी सेवा में और अब तो लिया के अब तो पैदल चलने लागा त्याग दिया पेजा रंदा पगा में पैर नाली पावड़िया ही बे ही छोड़ दी। हाँ तो के सुल्तान साहब जब निकलिया तो पावड़िया पैरी उड़ी रही और सोना हीरों जड़ियोड़ी पावड़िया ही तो भूख लगी जना बे कोई मलन माहा बोर भेज दे तो क्यों भाई माता जी थोड़ा गोर दे दो भूख लगी जन क्यों बाप जी हूं तो बोर मिले को कि कने दाम है तो दे दो जन वैराग में इतना तीव्र आवे ने ध्यान ही कोनी सोनो कहीं है चांदी कहीं है सब छोड़ छुड़ाई निकलियो ना। जन बे क्यों भाई मार्ग ने और की है कोनी ए पौड़िया है जको थू ले एक लप बोर रे महीने सोना चांदी और जड़ियोड़ी पौड़िया हीरा पन्नो बिन दान और एक बाबा जी कने गया जी बाबा जी मालिक एड़ी कृपा ही ये कांदोन रोटी देवता बे महाराज जन सुल्तान साहब गया जन कियो के भाई मन्नत मालिक ये कांदोन रोटी देवे है ओ एक गोल नवो आयो अब मने इन आधा करना पड़ी आधी रोटी इन बांटनी पड़ी। जन बाबा जी ली जाए आगे हाजिर करी के लो बाप जी आप ही जी जन सुल्तान साहब कियो आप जिमो मैं तो इमी चला ले जन दो तीन दिन साधना करी परमात्मा रेयो नहीं गयो और 56 प्रकार का भोजन ले और सुल्तान साहब वास्ते आया तो महात्मा जी नाराज हुए और कियो के बाप जी मैं आपरी रोजीना इतनी तपस्या करूं जको तो मने एक आंदोन रोटी देवो और ओ है जको काली जायो हाल तो घर बार छोड़ इर आप 56 प्रकार का भोजन ले आया हो तो भगवान कियो के भाई तू तो घर छोड़ नायो कहीं है ये को गाय छोड़ नायो है ये घराली छोड़ नायो है भजन करे जगो थन टैक्स देऊं मैं बाकी ये राजपाट छोड़ ने एक अलग ही मिसाल पेश करी है। तो गरीब साहिब आप रे वाणी में लिखियो और कठोर शब्द में लिखियो के एक रांडी और एक ढांडी नी तज सके ये जग कौवा काग केस देखो आदम सुल्तान ने कैसा लिया वेरा वेरा कैसो लियो
कि 16 सहस्त्र से 16,000 रानियां हैं और तुरी 18 लाख मेरे राज में घोड़ा और साहेब तेरे कारण छोड़िया शहर भर। तो के एक रांडी एक ढांडी नी तज सके ये जग कौवा काग, देखो अदम सुल्तान ने कैसा लिया वेराग। तो बाद में के 1.25 टका तन चोला पेरे, 5 टका तन सारंदा और अब तो बोझ उठावन लागा गुदड़ शेर अठारंदा। जका इतो नरम वस्त्र पहरता के शरीर ने भी वजन नहीं लागे, जका आज गड़ार में फाटोड़ो गुदड़ो अटारा हेरो गालियोड़ा पिए। तो बाद में के चुन चुन कलिया सेज बिछाता, कली कली रस न्यारंदा और अब तो लिया जमी का शरणा, कंकर नहीं गुआरंदा। अब जो को कांकर ही नहीं गुआरे, जगह मिले जटी पड़ जाए। तो के सुल्तान साहब एक कुआ मात गया तो धूड़ा रोहिरा क्यों कर लिया जना संसार है। माई भाई कह दियो देख फकीर है गो तो हिरांतियो को छूटो जड़े का बाद सब धुड़ा लो हिरांतियो जो मिटोर दियो मिटोरियो जड़े बे घर पा पानी कूडर फाची आई तो कियो देख फकीर है गो तो रीस नहीं छूटी अपा कियो जड़े के हिरांतियो बिकेर दियो जन सुल्तान साहब होचियो के दुनिया रे लारे नहीं बेणो अपा ने कई करनो अपा नो निर्णय अपा ने खुद ने लेनो। हां तो इन हिसाब सुल्तान साहब हुआ और के इतरा तजकर लिवी फकीरी ए सब राजपाट खजाना छोड़ फकीरी धारण करी। इतरा तजकर लिवी फकीरी दिन आकीन विचारंदा, ऐसो परमात्मा माते विश्वास करियो और कहे कबीर सा सुनो हो संतों फकड़ ज्ञान अखाड़ंदा। कोई अखाड़ा में मल हुए जो कोई पैर रखे, कायर आदमी अखाड़ा में पग नहीं रखे तो सुल्तान साहब ऐसा भक्तिरा रण खंभा जको भक्तिरो एक अलग खंभो स्थापित करियो। तो के कहे कबीर शासन हो संतो फकड़ ज्ञान अखाड़ंदा, सुल्तानी बलक पुकारंदा, जिनके नह लगा मालिक से अल्लाह राम पुकारंदा। एक पद और सुना दूं फिर बाद में बाप जी अपा ने सुनाए। दादू जे जे शरण कबीर साबरी तिर गया अनंत अपार। दादू गुण के ताक हूर के
अंत मा पुरुषों